सो हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग ऑफर के बताऊंगा, जिस ऑफर के तहत आपको फ्लैट 700 रुपीज कैशबैक मिल जाएगा। हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुने हो, आपको फ्लैट 700 रुपीज कैशबैक मिलेगा। पर ये ऑफर ओनली फॉर न्यू यूजर के लिए है, तो जिन जिन लोगों ने न्यू यूजर हो, मतलब अभी तक इस ऑफर को कंप्लीट नहीं किया हो, तो आप लोग इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑफर आ रही है टाइड एप्लीकेशन की तरफ से। टाइड एप्लीकेशन अभी आप ओपन करके फ्लैट 700 रुपीज कैशबैक ले सकते हो। साथ में इस टाइड एप्लीकेशन के अंदर काफी सारे ऑफर आता रहता है, जिस ऑफर को अवेल करके आप 500 to 1200 रुपीज या 1500 रुपीज या 2-3 हजार तक का आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम तो आप 100-200 हर महीने में इधर से अर्निंग कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू गेट अ फ्री रुपे प्रीपेड कार्ड, जिस कार्ड का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, ना तो कोई हिडन चार्ज, ना तो कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ना तो कोई यूजिंग चार्ज। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। और मैं खुद से इस एप्लीकेशन को 1 या 2 साल से यूज कर रहा हूं, तो आप लोग भी इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो एंड फ्री में खूब सारी पैसा अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना नाम इसके रख लेते आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखो भाई, सबसे पहले 700 रुपीज को लूटने के लिए आपको मैं मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, साथ में एक रेफरल कोड भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और फ्री में जो है कि 700 रुपीज करके अर्निंग कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ये एप्लीकेशन है फिर आप किसी और को ओपन करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख के अकाउंट ओपन करके फ्लैट 700 रुपीज कैशबैक दिला सकते हो। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। तो सबसे पहले लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देन आपको जो है कि इधर एंटर यूपीआई आईडी डालने के लिए बता रहा है। तो यूपीआई आईडी जगह पे आपको जो है कि आप जिस यूपीआई आईडी पे 700 रुपीज कैशबैक लेना चाहोगे वो यूपीआई आईडी इसमें फिल करना। पेटीएम का यूपीआई आईडी होता है, फोन पे का होता है, अमेजोन का होता है, लेकिन जो यूपीआई आप डालोगे सही देना, क्योंकि उसमें 700 रुपीज कैशबैक आएगा। देन नीचे आपको बता रहे हैं एंटर योर सेम मोबाइल नंबर। सेकेंड में आप जो मोबाइल नंबर डालोगी उसी मोबाइल नंबर से ही आपको टाइट एप्लीकेशन ओपन करना है, तब जाके हमारे पास ट्रैक आएगा। ठीक है, इसी चीज पर ध्यान रखना। तो चलिए, इसमें यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर लेता हूं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, देन आपको रिडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर के अंदर। तो प्ले स्टोर थ्रू आप टाइट बिजनेस इंडिया बोल के एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इधर परमिशन आएगा, तो एलो कर देना। एलो करने के बाद इधर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक जो है कि ओपन फ्री अकाउंट एंड आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपको जस्ट ओपन फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इधर मेल आईडी, मोबाइल नंबर और रेफरल कोड पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को पहले बोला था कि रेफरल कोड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रेफरल कोड जगह पे सबसे पहले क्लिक करना है, ऐड रेफरल कोड, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा वही रेफरल कोड आपको फिल करना है। रेफरल कोड आप जैसे ही फिल करोगे इधर आपको दिखाई देगा यू हैव एडेड ए रेफरल कोड। ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद मेल आईडी और मोबाइल नंबर देख लेना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, देन आपको ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब आपको मेल पे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसी मेल को आपको जस्ट कंफर्म करके मेल आईडी को वेरीफाई करना है। जैसे गाइस आप देख सकते हो मेरा मेल पे एक मेल आया है, तो इधर लिखा है कि वेरीफाई योर मेल एंड सेट अप योर अकाउंट। ठीक है, तो आप अकाउंट को सेटअप कर लेना। जैसे आप नीचे देख सकते हो वेरीफाई मेल, वेरीफाई मेल पर जैसे क्लिक करेंगे, देन आपको रिडायरेक्ट करेगा टाइड एप्लीकेशन के अंदर, देन आपको इधर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो लॉगिन पे क्लिक कर देना। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसी मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को आप इधर फिल करके नेक्स्ट करना। देन आपसे पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आप अपने पैन कार्ड डिटेल्स फिल करके आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। पैन कार्ड में जैसा ही है वैसे ही आपको फिल करना है। इसके बाद आपको आधार एड्रेस पूछा जाएगा, मतलब आधार डिटेल्स आपको फिल करने के लिए बोलेगा। तो आपने पास, मतलब आपके पास जो आधार कार्ड है ना, उसी आधार कार्ड का बैक साइड में देखना कि एड्रेस लिखा हुआ है, तो उसी एड्रेस को इधर लिख देना। ठीक है, क्योंकि उसी एड्रेस पे ही आपका एक जो है कि फ्री का रूपी प्रीपेड कार्ड आएगा। ठीक है, उसी कार्ड को लेके हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं है, तो आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिलीवरी कार्ड टू दिस एड्रेस पर आपको क्लिक करना है, बॉक्स पर टिक लगाना है। देन आपको इधर नेक्स्ट करके योर बिजनेस डिटेल्स पूछा जाएगा, तो योर बिजनेस डिटेल्स पे आपको इधर बॉक्स पे टिक लगाना है। हाँ, मेरा जो आधार कार्ड एड्रेस है उधर ही मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इधर जो है कि बिजनेस कैटेगरी पूछा जाएगा, और जो कैटेगरी आपने इधर से चूज करोगी वो आपको वीडियो कॉल करने का टाइम पे पूछा जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रोसरी बोल के जो कैटेगरी है आप उधर से इधर से चूज कर लीजिए,
और ग्रोसरी के बारे में ही बताना कि हाँ मेरा या मेरा पापा का ग्रोसरी है तो मैं उधर से थोड़ा सा अर्निंग करता हूँ, ऐसा बोल देना, ठीक है, हो जाएगा। बस यही बोलना काम हो जाएगा कि मेरा ग्रोसरी शॉप है, मैं दुकान पे काम करता हूँ, और कुछ भी बोलने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको वीडियो कॉल में जो है कि नेम वगैरह पूछेगा, फादर्स नेम पूछेगा, इसके बाद पिन कोड वगैरह ऐसा कुछ पूछेगा, तो आप बता देना। इसके बाद आपको वीडियो कॉल करने के लिए बोला जाएगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन आपको इधर जो है कि एक बॉक्स रहेगा और एक भी क्लिप आईडी रहेगा, ठीक है। तो आपको जस्ट टिक पे टिक लगा के आपको नेक्स्ट करना है, यूजर कंसेंट इसमें जो फॉर्म है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको टिक्स लगा के आपको जो है कि कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन आपको इधर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको हार्ड कॉपी में मतलब जो है रखना है आपके पास, हाथ में रखना है, ठीक है। इसके बाद और एक बार जो है कि आधार कार्ड को डिजी लॉकर थ्रू वेरीफाई करना है, गवर्नमेंट का साइट है तो आप उधर से वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपको इधर जो है कि ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड या तो सैलरीड रखना, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है तो आप ऐसे करके बोल देना कि मेरा दुकान है, मेरा ग्रोसरी शॉप है, मैं उधर काम करता हूं बोल देना, या तो मेरा दुकान है मैं उधर बैठता हूं या अर्निंग करता हूं दुकान से, ऐसा कुछ बोल देना, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद आपको इधर लैंग्वेज यानी वीडियो लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा, तो आप हिंदी या तेलुगु या इंग्लिश जो भी आप प्रेफर करते हो या कन्नाडा, तो आप उधर से बोल देना, ठीक, चूज कर लेना। तो मैं हिंदी चूज कर लिया। हिंदी चूज करने के बाद आपको जो है कि एक वीडियो कॉल में ज्वाइन होने के लिए थोड़ा सा वेट करना है, तो वीडियो कॉल में आप ज्वाइन हो जाना। बेसिकली आपको पूछेगा सबसे पहले आपका नाम क्या है, इसके बाद फादर्स नेम क्या है, थर्ड में आपको पूछेगा डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके बाद आप क्या काम करते हो बेबी पूछेगा, इसके बाद जो एड्रेस आपने फिल किया हो सही है कि नहीं ये पूछेगा, बता देना। और जो क्या काम करते हो, आप ग्रोसरी चूज करोगे तो बोलना कि मेरा ग्रोसरी शॉप है, मैं दुकान पे काम करता हूँ, बस ये दो से तीन वर्ड बता देना और कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको बोलेगा कि फोटो खींचा जाएगा और स्क्रीन पे एक 6 डिजिट नंबर शो होगा, तो आप उसी 6 डिजिट नंबर भी एजेंट को बता देना, ठीक है, स्क्रीन पे शो होगा। इसके बाद आपका एक सेल्फी खींचा जाएगा, तो आप सेल्फी ले लेना, पैन कार्ड या आधार कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा तो आप दिखा देना। इसके बाद आपको विद इन 1 to 2 hours के अंदर जो है कि वीडियो कॉल सक्सेस हो जाएगा, आपको तो वीडियो कॉल सबमिटेड हो जाएगा लेकिन सक्सेस होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, 1 से 2 घंटे के अंदर जो है कि वीडियो केवाईसी सक्सेस हो जाएगा एंड आपका टाइट अकाउंट जो है कि सक्सेसफुली रेडी हो जाएगा। मैसेज भी आएगा कि योर टाइट अकाउंट इज रेडी नाउ। जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा या जैसे ही आपका टाइट अकाउंट रेडी नाउ हो जाएगा, इसके बाद आपको जो है कि टाइड एप्लीकेशन को ओपन करके जो है कि 500 रुपीज एड मनी करना है। एड मनी करने से पहले ये भी देख लेना कि योर कार्ट इज ऑन इट्स वे ट्रैक डिलीवरी, ऐसा कुछ शो हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ शो नहीं होगा तो आपको कार्ट नहीं मिलेगा, तो इसी चीज पे ध्यान रखना कि आपको ट्रैक डिलीवरी ऐसा बोलकर कुछ है मतलब आपका अकाउंट पे शो हो रहा है कि नहीं, ऐसा शो होगा तो आपको बिल्कुल कार्ट मिलेगा और कार्ड 100% सबका मिलता है। मैं आपको सावधान करने के लिए बता रहा हूं कि जो है कि आपको ट्रैक डिलीवरी का मैसेज या जो भी ऑप्शन आएगा तो आप इसके बाद जो है कि ऐड मनी करना, क्योंकि ट्रैक डिलीवरी नहीं होगा तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा और कार्ड नहीं मिलेगा तो जो पैसे ऐड करोगे वो निकल नहीं पाओगी, तो इसलिए बोल रहा हूँ ट्रैक डिलीवरी आना चाहिए। ट्रैक डिलीवरी आएगा तो कार्ड जरूर मिलेगा और कार्ड मिलेगा तो आप इस 500 रुपीज जो भी मतलब ऐड करोगे इस एप्लीकेशन में तो वो पैसा निकल सकते हो। देखो 500 रुपीज निकालने के लिए आपके पास काफी सारी ऑप्शन है, ठीक है, काफी सारी वे है, मेरे को पता है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा जो वे लगता है मोबीक्विक एप्लीकेशन पे आपका केवाईसी है तो जब भी आपका टाइप का प्रीपेड कार्ड मिलेगा उसी कार्ड का डिटेल्स देख के आप मोबीक्विक के अंदर जाके ऐड मनी कर लेना। आपको टाइट एप्लीकेशन 500 रुपीज बैलेंस है ना, वो बैलेंस को मोबीक्विक वॉलेट के अंदर चला जाएगा। मोबीक्विक वॉलेट के अंदर आने के बाद उसी मोबीक्विक वॉलेट से आप 0% चार्ज देके आप अपनी यूपीआई आईडी पे उसी सारी बैलेंस को आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है बिल्कुल 0 charges प्रोसेस है, तो आप बिल्कुल फ्री में अपने बैंक पे ले सकते हो जो पैसा इधर ऐड करोगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सामने जो है कि ऐड मनी करूंगा, तो जस्ट आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक करना है, देन आपको यूपीआई ऑप्शन दिखाई देगा, यूपीआई पे क्लिक करके अमाउंट जगह पे 500 डालना, इसके बाद आपको जो है कि कंटिन्यू या नेक्स्ट करना है, देन आपको नीचे दिखाई देगा पेमेंट मेथड, गूगल पे, फोन पे, डिफॉल्ट या अदर्स कोई ऑप्शन जो है कि आप देख सकते हैं, तो आप पेटीएम इधर से चूज कर लेना, आई सजेस्ट यू। तो पेटीएम आपको चूज करने के बाद आपको जो है कि 500 रुपीज जो है कि पेटीएम से आपको पे करना है, ठीक है, कोई भी बैंक थ्रू आप पे कर देना। जैसे आप सक्सेसफुली पे करोगे देन आपको इधर दिखाई देगा कि टॉप अप प्रोसेस या सक्सेस जो भी है दिखाई देगा, तो इसके बाद आपको वॉलेट पे जो है कि 500 रुपीज एड हो जाएगा।
₹500 ऐड होने के बाद आपका काम जो है कि हो चुका है खत्म। अब मेरा काम है, मेरा काम है कि मैं चेकिंग करूंगा, इसके बाद आपको जो है कि पेमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। विद इन 48 आवर्स के अंदर या तो 72 आवर्स के अंदर जो है कि आपको कैशबैक मिल जाएगा, आपने जो यूपीआई आईडी डाला था उसी यूपीआई आईडी पे। तो गाइस यही था ऑफर और कुछ नहीं है, और मोर अपडेट और मोर स्टाइल एप्लीकेशन का ऑफर पाने के लिए जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मस्ट टू मस्ट ज्वाइन हो जाना, ठीक है? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हर सही ऑफर का अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करता रहता हूं। तो चलिए, मिलते फिर नेक्स्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, तब तक बाय, टेक केयर।